लुधियाना में है और एक हैदराबाद में है, ये चार है और अभी तीन और होनी है। पिछले हफ्ते मैं उस ऑडिट्स में था, मुंबई में दो और आने वाली हैं और एक नागपुर में। तो आप ये देखिएगा कि छोटे छोटे शहरों में भी लोग प्रमाणीकरण के लिए अपना एक सेटअप बना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका काम क्या है, इनका काम जो हमारा स्कीम का सिलेबस है उसके तहत ये देखना है कि जो लोग उसका सर्टिफिकेशन के लिए आ रहे हैं तो उनको ये समझ है, तो जो रिक्वायरमेंट है जो लिखा है सिलेबस में और जो वो लोग जानते हैं उसका जब सामंजस्य हो जाता है तो हम लोग उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, एक तो रिटन एग्जाम देते हैं और दूसरा उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो काफ़ी लोग आप लोग तो कर ही रहे हैं तो आपको ये सिस्टम पता है, और जब एक बार ये लोग कर देते हैं तो फिर उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। आप थोड़ा इसको दबाएं और वो सर्टिफिकेशन पिछले, और जब वो सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उसके तो वो आजीविका के लिए उसका और अच्छा हो जाता है। कोई भी योगा प्रोफेशनल का उसको भारत में या विदेशों में जैसे ICCR डेप्यूट कर रहा है वैसे करता है और आगे भी करेगा। हम लोगों ने इस पर मुझे कुछ चीज़ें बतानी हैं और एक आगे शायद स्लाइड भी है तो शायद मैं तब बताऊं। तो हम लोगों का काम QCI का यही है कि इस स्कीम के द्वारा जितनी भी रोजगार संबंधित अवसर हैं जो योगा को लेके हैं उन सबको हम बोल रहे हैं कि कम से कम लेवल 2 जो है उसको पहले डिजायरेबल करें और उसके बाद एसेंशियल कर दें। इसका मतलब ये होगा कि जब तक आपके पास अगर L2 नहीं है तो आप किसी योगा की अगर कोई सरकार की नौकरी होगी तो उसमें नहीं जा पाएंगे। या इसका पॉजिटिव ये है कि अगर आपके पास L2 है यानी लेवल 2 है तो आप तुरंत इन नौकरियों में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी बातचीत है और मैं इस बारे में आपको और भी बताऊंगा। नेक्स्ट, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम है। पहले क्या होता था, सुबह आके शाम तक लोग बैठे रहते थे, तो हमने इसको चेंज कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि पूरा ग्रुप आए अपना पहले रिटर्न एग्जाम दे। रिटर्न एग्जाम में पहले ये था कि जो लेवल 1 है उसमें हम लोग 70% सिर्फ रिटर्न में